मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन तो है बहुत आसान, लेकिन उससे पहले आपको स्क्वायर याद करना होगा और उसी से मैं स्क्वायर रूट के लिए भी बता दूंगा। तो मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, लिखिएगा वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, जैसा कि आप लोग बहुत को तो याद ही होगा। टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। थ्री का स्क्वायर नाइन। फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर 25। सिक्स का स्क्वायर 36। और सेवन का स्क्वायर 49। एट का स्क्वायर 64। नाइन का स्क्वायर 81। टेन का स्क्वायर 100। अलेवन का स्क्वायर 121। ट्वेल्व का स्क्वायर 144। थर्टीन का स्क्वायर 169। फोर्टीन का स्क्वायर 196। फिफ्टीन का स्क्वायर 225। सिक्सटीन का स्क्वायर 256। सेवनटीन का स्क्वायर 289। और एटीन का स्क्वायर 324। नाइनटीन का स्क्वायर 361। और ट्वेंटी का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। 30 का स्क्वायर 900। 31 का स्क्वायर 961। और 32 का स्क्वायर लिखिएगा 1024। 33 का स्क्वायर 1089। तो दोस्तों यहाँ तक याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो मैं थोड़ा देर रुकता हूँ और आप जो है इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, क्योंकि यह भी बहुत ही आपको ज़रूरत पड़ने वाला है और आप देख के ही आंसर बता दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टू का स्क्वायर कितना होता है तो फोर बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसा कि हम यहाँ पर बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, देखिए समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ से थ्री का अगर स्क्वायर पूछा तो आप लोग क्या बोलिएगा, नाइन बोलिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नाइन का वर्गमूल क्या होगा, यानी नाइन का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि थ्री होगा। ठीक है, तो इसी से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, जैसा कि देखे होंगे आप, क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू पैटर्न का है। देखिएगा सेवन प्लस, देखिए फिर से अंडर रूट दिया हुआ है, 121 प्लस अंडर रूट 441 प्लस अंडर रूट 100 इक्वल, इसका पूछा का मान होगा। मैं जो है ऑप्शन आपके सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ताकि आपको सस्पिशन ना हो या किसी तरह का डाउट उत्पन्न ना हो। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि भी आपने याद किया होगा कि क्वेश्चन को यहाँ से लिखते हैं
कि डायरेक्टली तो बन ही जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ तो सात है, तो सात लिखा जाएगा। देखिए इससे कितना बाहर निकलेगा, 11 निकल गया 1 to 1 से, और 4 4 1 अभी तुरंत याद किया थे कितना आ गया था 21, जैसा कि मैंने पहले लिखा था। और देखिए 100 से कितना निकल जाएगा बाहर 10। और देखिए सबको आप आपस में ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद देखिए कितना हो जाता है, देखिए कितना हो जाएगा 11 + 7 कितना 18, 18 28, 28 प्लस 42 कितना हो जाएगा 49। और देखिए 49 से कितना बाहर निकल जा रहा है, कितना बाहर निकलता है अभी आपने याद किया था 7, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 7। कोई दिक्कत मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए। इसी टाइप को मैं ढेर सारा प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बेफिक्र कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। मैं देखिए यहाँ पे वाट का निशान इसलिए लगा दे रहा हूँ कि बार बार हमें लिखना पड़ेगा कि काम ऑन होगा काम ऑन होगा, इससे समय लैप्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 16, सी नंबर ऑप्शन लिखिएगा 18, डी नंबर लिखिएगा 14। देखिए जैसा कि आप यहाँ क्या लिखा हुआ अंडर रूट 316, कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा। इससे कितना बाहर निकलेगा 2, आप बहुत अच्छे हैं होशियार हैं। और इससे कितना निकलेगा बाहर 6 हो गया। अब देखिए सबको जोड़िए 6 + 2 8 8 8 प्लस 6 कितना 8 जोड़ के देखिए 6 8 14 देखिए कितना आ गया 324। और ये अंडर रूट किसका होता है 324 18 का होता है, जैसा कि आप अभी तुरंत मैंने लिखाया था आपको और आपने अच्छे तरीके से इसे याद भी कर लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से मैं जानदार क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन है मैं अपने मन से खुद से लिखता हूँ, ये बात नहीं है। मैं भी आपके SSC MTS प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना के देता हूँ, ताकि अभी देखिए मैंने जैसा कि आपको पीछे बता चुका हूँ कि कुछ दिन के बाद जो है लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और उसके बाद जो है कि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या है 256 लिख दिए प्लस में, देखिए इसकी 484 का क्या होता है मैंने याद किया 22 होता है, 1 to 1 का क्या होता है 11 होता है, दोनों को ऐड कीजिए क्या 2 1 + 3 यानी कि 33 में से ऐड करके चेक कर लीजिए कितना होगा 639। देखिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कितना है अंडर रूट में 289 किसका होता है 17 का होता है, इसलिए आपको कितना हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा अंडर रूट 231 + 81 + 256 इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप बेफिक्र होकर ऑप्शन मार सकते हैं। ऑप्शन देने से क्वेश्चन 60% सॉल्यूशन हो जाता है। तो मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ से 231 हो जाएगा प्लस में, देखिए इससे कितना बाहर निकल जाएगा 9 और इसे किसका होता है 16 का, सब ऐड कर दीजिए 60% 25 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 516 कितना है 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। यह देखिए कितना बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल बन रहा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन, जो भी हमको लिखने में समय लग रहा है लेकिन आंसर देने में बिल्कुल 1 सेकेंड आपको आंसर देने के लिए काफ़ी है। अगर 1 सेकेंड के अंदर आंसर नहीं आए तो आप बोलिएगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा कि थोड़ा सा मेहनत करके आप याद कर लें तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकेंगे, बिना पेन कलम उठाए हुए आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा इसका वैल्यू प्लस, इसके कितना होता 25 का होता और ये कितना होता 14 का, जोड़िए 5 4 9 2 1 3 यानी 31 जोड़ लीजिए 39 9 1 10 400 आ गया, 400 किसका होता है 20 का, भी मैंने लिखाया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ाता हूँ, 6 नंबर लिखिएगा अंडर रूट 160 + 25 + 16 इक्वल टू वाट, ऑप्शन नंबर लिखिएगा 14 13 15 11। देखिए कोई दिक्कत नहीं है 160 + इसे कितना भाई 5, इससे बाहर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 549 प्लस 169 किसका स्क्वायर होता 13 का, इसलिए आपका 13 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 14 प्लस अंडर रूट 9 प्लस, क्वेश्चन को इजी समझ के जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सोचिएगा है बहुत इजी, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इजी रहता है लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंटिन्यूसली ध्यान को कंसंट्रेट करके देखें, तो 9 का क्या होता है 3 होता है और 6 हो गया जो कितना हो जाएगा प्लस में 49 हो गया। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ाता हुआ, तो नेक्स्ट लिखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए देयर वाज 645 माइनस 400 इक्वल टू व्हाट, तो गलत मत कीजिएगा, देखिए 24 ऑप्शन लिखिएगा, 30 सी में लिखिएगा, 25 और डी में लिखिएगा 20। तो अब जो जैसा कि जानते क्या जाएगा 645 में से इसका कितना 2400 का क्या होता है 20 होता है, 20 माइनस कीजिएगा कितना बचेगा 625, 625 किसका होता है देखिए अंतिम में 5 है, एक ही ऑप्शन है सी नंबर होगा, बाय ऑप्शन भी हम लोग चल सकते थे। और 9 नंबर लिखिएगा क्वेश्चन, 269 माइनस अंडर रूट 169 इक्वल टू व्हाट, तो दोस्तों देख के गलत मत बनाइएगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और बिल्कुल ही इजी तरीके से बनाइएगा। देखिए 269 है, इसका 13 का स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, घर माइनस कर दीजिए, 93 जाएगा 6 में सुबह फायदा, देखिए 256 किसका होता 16 का, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको ऊपर में लिखवा चुका था 1 से लेकर 33 तक स्क्वायर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यदि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, n इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 9 है, तो 1 अपॉन n का मान क्या होगा, नंबर ए ऑप्शन लिखिएगा 1/2, 2, 4 और डी में लिखिएगा 1/4। तो जैसा कि देखिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप उन लिखते हैं और 13 प्लस देखिए इससे क्या निकलेगा, 9 से बाहर 3 निकल जाएगा, देख कितना हो गया 13 प्लस 16 यानी एन का वैल्यू, एन बराबर कितना हो गया 4 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए हमको पूछ रहा है 1/n, देखिए तो क्या जाएगा 1/n लिखिएगा, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 1/4 यानी कि 1/n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट आप बेचक कर सकते हैं 8210548193। और मैं कुछ ही दिनों के बाद इसी चैनल पर टेक्निकल वीडियो भी डालने वाला हूं, जो कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा, तो कुछ दिन के बाद मैं सेटअप करने के बाद सबसे वीडियो डालूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।